हाँ तो विद्यार्थियों, इंटीग्रेशन का वीडियो नंबर 30 बट इंटीग्रेशन थ्योरी का वीडियो नंबर 22 चैप्टर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर पहला वीडियो हम लोगों ने जो देखा था उसमें फॉर्मूला एक मैंने बताया था कि f(x)(x) बराबर f(y)(y). उसी पर मैं आज फिर से चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा उसके कंक्लूजन वाले फॉर्म पे। वहाँ हम लोग प्रूव किए थे वाई पर, वहाँ हमारी चर्चा वाई पर थी, यहाँ हमारी चर्चा वाट पर फोकस होगी ज़्यादा। वहाँ वाई और वाट दोनों पर था, वाट पर कम फोकस था, वाई पर ज़्यादा फोकस था। यहाँ वाट पर ज़्यादा फोकस, वाई पर नो फोकस। तो जब भी किसी फंक्शन के अंदर में कोई फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव हो, तो फंक्शन को y मानने से तुरंत उसका डेरिवेटिव निकाले, फाई डैस एक्स डेरिवेटिव मिला, तो फाई डैस एक्स डी एक्स बराबर डी वाई, डेरिवेटिव डी एक्स बराबर डी वाई होता है। तो जब किसी फंक्शन को y मानते हैं तो उसका डेरिवेटिव और डी एक्स मिलकर के डी वाई होता है। तो इस बात पर हमको डायरेक्टली जरा सोचना है। जैसे आज का ये पहला क्वेश्चन है, साइन टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये सब लिखना नहीं है, डायरेक्टली समझना है कि देखिए फंक्शन के अंदर में फंक्शन है और इसका बाहर में डेरिवेटिव है। तो जब आप फंक्शन को वाई मानोगे तो फंक्शन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स गुना डी एक्स बराबर डी वाई होगा। फंक्शन का डेरिवेटिव और डी एक्स डी वाई होगा। तो साइन वाई और ये डी वाई, डायरेक्टली ये स्टेप लिखना नहीं है, मन ही मन समझना है कि साइन वाई, तो साइन वाई का इंटीग्रल डायरेक्ट मन ही मन समझना है कि साइन का तो होता है माइनस कॉस वाई प्लस सी, माइनस कोस वाई की जगह टेन एक्स प्लस सी। सुन रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप डायरेक्टली इस स्टेप में आओ भाई। ये मन में सोचने वाला ये कार्यक्रम और ये कार्यक्रम, ये दोनों मन में सोचने के हैं। मन में डायरेक्ट सोचो कि साइन वाई और ये तो हो गया डी वाई, तो साइन वाई का इंटीग्रल माइनस कोस वाई की जगह टेन एक्स है जो कहती हूँ। समझ रहे हो आप लोग, ध्यान देना, मैं जरा आपको बताना क्या चाहता हूँ। ये लो आप, फिर से एक बार मैं लिख देता हूँ कि चाहे किसी भी फंक्शन को आप y मानो भाई, उसका डेरिवेटिव और dx बराबर हो जाएगा dy। तो यहाँ का दूसरा क्वेश्चन, कॉस सेक एक्स और सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। तो यहाँ फंक्शन के अंदर में फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव भी है बगल में, तो मन ही मन आप सोचो कि ये कॉस हुआ, अंदर वाला वाई हुआ, तो डेरिवेटिव और डी एक्स हो गया डी वाई। अब कुछ लोग का दिमाग हो जाने लगता है कि अरे वाई कैसे हो गया, डी वाई कैसे हो गया, हम तो कुछ देख भी नहीं किए, कैसे अचानक लिख दें। तो इसके पहले मैंने प्रोसेस दिखाया था, आप फिर से एक बार देख लें कि किसी भी फंक्शन, जैसे यहाँ sec x को आप y मानोगे तो इसका डेरिवेटिव sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू टेन एक्स आया ना, और डी एक्स फिर इधर लाएंगे तो ये वाला डेरिवेटिव पूरा sec x टेन एक्स और डी एक्स डी वाई हुआ ना। तो ये सब मन ही मन सोचना है, ये सब करना नहीं है। यहाँ सोचना है कि भाई ये तो क्वेश्चन हुआ आपका कॉस वाई, तो कॉस वाई का इंटीग्रल डायरेक्टली साइन वाई, डायरेक्टली मन में सोचना है साइन वाई, मगर वाई की जगह सेक एक्स है ना, कॉस वाई का इंटीग्रल साइन वाई। मन में ये सोचना है कि ये हो गया कॉस वाई का इंटीग्रल साइन वाई, और वाई की जगह क्या है सेक एक्स है, तो साइन सेक एक्स डायरेक्टली एक लाइन में। तीसरा, sec स्क्वायर थ्री प्लस log x और बटा में x। यहाँ भी मन ही मन सोचिए
कि sec स्क्वायर cos के अंदर वाला वाई और इसका डेरिवेटिव होता है 1/x, वो तो यहाँ आई है। तो ये sec स्क्वायर वाई और डेरिवेटिव, इसको आपको अगर कठिनाई हो रही तो sec स्क्वायर 3 + log x बटा में x को 1/x dx। अगर आप मन में इसको y सोचोगे तो इसका डेरिवेटिव और dx हो गया dy। तो ये डेरिवेटिव और dx ख़त्म होकर के dy, खाली अभी तो नहीं पे फोकस करना है। sec स्क्वायर y का इंटीग्रल tan y मन में सोचिए, y की जगह तो है 3 + log x, कोण जैसे कहते हैं, मतलब जो कोण है वो जैसे कहते हैं, डायरेक्टली आप लिखे। अगर आप समझ रहे होते अच्छे से, चाहे इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट एक लाइन में ही आप आंसर लिख सकोगे। तो इस प्रकार से आप 3 क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप जरा। चार में थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश किया है मैंने। साइन एक्स का पावर 4, अंदर है एक्स का पावर 4 और एक्स का पावर 4 का डेरिवेटिव होता है 4x³, दिया हुआ है केवल 4। तो मन ही मन आप ये साइन एक्स का पावर 4 है, ये x³ है, dx है, इसमें 4 से आप गुणा भाग तो कर सकते हो ना, तो 1/4 तो अपनी जगह पर रहेगा। तो एक तरह से जब इसको आप इसको जब y मानोगे तो डेरिवेटिव और dx हो जाएगा dy। तो मन में सोचो आप कि ये तो हो गया आपका साइन y, फिर साइन y का इंटीग्रल हो जाएगा -cos y। तो सीधे सीधे -cos y की जगह है x का पावर 4 प्लस c, सब मन में सोचने का काम है। -1/4 cos x⁴ प्लस सी। एंड लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखो भाई, इसका भी डेरिवेटिव यहाँ दिया हुआ है, आप देख लो जरा, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो इका पावर x³ है, चेन रूल से नीचे में x³। तो ई का तो डेरिवेटिव यही होता है और x³ का 3x² तो 3x² इका पावर x³ तीनों ना आएगा डेरिवेटिव में। तो वही बात है यहाँ, cos ई का पावर x³ और x² e का पावर x³ है dx, बस यहाँ 3 है डेरिवेटिव में और यहाँ 3 नहीं है, तो 3 से तो गुणा भाग कर लो और सोचो आपकी cos y जब मानोगे तो डेरिवेटिव गुना dx dy होगा, यानी आपको समझना है cos y और वो तो dy बन जाएगा। फिर cos y का इंटीग्रल हो गया sin y प्लस c, तो साइन y की जगह तो ये y e⁴ x³ प्लस c आंसर। एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन थियोरी 22। थियोरी बताने के दौरान मैं सिर्फ थियोरी नहीं बता रहा हूँ, हर थियोरी को एक्सप्लेन करने के लिए आपके एक्सरसाइज से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, हर जगह लगभग 5 क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, कहीं कहीं 6-7, कहीं कहीं रेयर केसेस 3-4 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, लेकिन जनरली मैं 5-6 क्वेश्चन ले रहा हूँ। थैंक यू ऑल, पढ़िए अच्छे से और वीडियो पूरा देखिए हमेशा।